अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ बिना माल्ट एंड माइक्रो ओवन यूज़ किए फ्रूट केक बनाने की रेसिपी बताऊंगी। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी नई रेसिपी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम ये हेल्दी एंड यमी केक बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम शुगर को बिना स्टर किए हमें इसे क्रैमलाइज्ड कर लेना है। जब चीनी पिघलना शुरू हो जाए तो उसमें 1 कप पानी ऐड कर लें। ये प्रोसेस हमें बहुत ही ध्यान से करना होता है क्योंकि चीनी पिघलने के वक्त वो थोड़ी जल जाती है, तो इससे अगर आपकी चीनी मेल्ट होने के वक्त जल गई तो इससे आपका पूरा केक का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ध्यान से करें वरना इसे स्किप कर लें। टूटी फूटी सोक करने के लिए इसमें ऐड कर लें, मैंने 1/2 कप यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। टूटी फूटी ऐड करने के बाद इसे बस एक बॉईल होने तक का कुक करना है और फिर इसे पूरी तरह ठंडा होने के लिए रख दें। और याद रखें कि इसे रूम टेम्परेचर में ही ठंडा करना है, और ये जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो सिरप और टूटी फूटी को सेपरेट करने के लिए हमें इसे स्टेन कर लेना है। तो देखें, यहाँ हमारा टूटी फूटी और शुगर सिरप सेपरेट हो चुका है। तो चलिए अब सेकेंड स्टेप के लिए 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि 500 ग्राम मैदा, 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच दालचीनी इलायची पाउडर, मैंने दोनों को एक साथ ही मिक्स करके 1 चम्मच यूज़ किया है, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच। तो चलिए अब हम थर्ड स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम बटर यूज़ किया है और मेरा बटर रूम टेम्परेचर ही में है, तो देखिए ये बहुत ही ईजली बीट हो जाएगा, और इसे स्मूथली बीट कर लें। बटर पूरी तरह स्मूथ होने के बाद इसमें 150 ग्राम ब्राउन शुगर ऐड कर लें। अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल शुगर के पाउडर बना लें और फिर उसे यूज़ करें। इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में बीट करें और फिर 2 से 3 मिनट के लिए हाई स्पीड में बीट कर लें ताकि हमारा शुगर पूरी तरह बटर में मेल्ट हो जाए। सो सी हियर आई डिड इट एट लास्ट। अब हमें सिर्फ एग ऐड करना है, 1-1 अंडे ऐड करते हुए हमें बीट करना है, डायरेक्ट पूरे अंडे ना ऐड करें। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट बहुत ही केयरफुली बीट करना होता है। तो देखिए मेरा ये बीट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमने इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए ऑरेंज जेस्ट का इस्तेमाल किया है, तो अब इसे ग्रेट कर लें। ऑरेंज जेस्ट से आपके केक में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है, तो बस अप्रॉक्स 1/2 टेबल स्पून तक का आप इसे ग्रेट कर लें। अब
दो चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट ऐड कर ले। मैंने इसमें दोनों ही फ्लेवर ऐड किया है, ये आपकी खुद की चॉइस है। अगर आप वेनिला एक्सट्रैक्ट स्किप करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने बैटर को और भी स्मूथ बनाने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए फिर से बीट कर लिया। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि मैंने ब्राउन शुगर सिर्फ 150 ग्राम यूज़ किया है, क्योंकि मैंने पहले से जो शुगर सिरप बनाकर रखा था तो इसमें स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा सिरप ऐड कर लें। यकीन मानिए, जब आप ये केक अपने हाथों से बनाकर खाएंगे तब उसकी टेस्ट वाओ, मैं तो इसकी टेस्ट बता ही नहीं सकती कि मैंने जब इसे टेस्ट किया तो ये कितनी कितनी यमी थी। तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं, तो हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट सेपरेट बाउल में रखा था उसे ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसे मिक्स करें। मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि आपकी बैटर थोड़ी थिक हो रही है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑरेंज जूस। तो देखिए, मैंने यहाँ 1/4 कप ऑरेंज जूस ऐड कर लिया। इसे ऐड करने का बस एक ही पर्पस था कि जब भी आपको किसी भी चीज़ से इशू हो तो इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आइडियाज़ पसंद आ रही होगी, तो कमेंट सेक्शंस में मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। बैटर का मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें। 1/2 कप चॉप्ड किए हुए आलमंड, 1/2 कप चॉप्ड किए हुए काजू, 8 to 10 चॉप्ड पिस्ता, 1/2 कप किशमिश, 1/2 सोख किए हुए टूटी फूटी ऐड कर लें। एकदम प्रॉपरली इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैंने इस केक बनाने में माउल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, तो देखिए मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुछ लोगों के पास टिन अवेलेबल नहीं होता है। तो ये टिप्स उन लोगों के लिए है, अगर आपके पास क्रिसमस केक बनाने के लिए टिन अवेलेबल है तो आप टिन में बनाएं, वरना आप के लिए बहुत ही आसान टिप्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप एल्युमिनियम फॉइल में इजीली बना सकते हैं। और मैंने आप सभी के लिए एक और काम भी आसान कर दिया, क्योंकि अगर आप किसी को क्रिसमस केक गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैकेजिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, आप इसी फॉइल में अच्छे से रैप करके आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही अमेजिंग आइडिया। आइडिया पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। ड्राई फ्रूट से इसकी टॉपिंग कर लें, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए अब इसे बेक कर लेते हैं। मैंने आधे घंटे पहले से ही कढ़ाई को गैस पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें किसी भी तरह का रैक रख लें। ध्यान से एल्युमिनियम फॉइल को इस रैक के ऊपर रखें।
अब इसे आधे घंटे के लिए हमें लिड लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है। बीच बीच में अपने केक को चेक कर लें कि ये पूरी तरह अच्छे से कुक हो रही है या नहीं। तो देखिए हमारे केक का टेक्सचर कितना अच्छा और कितना अमेजिंग आया है। बेक करने के टाइम आप बीच में एक बार इसलिए चेक कर लें क्योंकि जब आपका केक फूलेगा तो उसकी टॉपिंग आपके लिड में लग सकती है। तो इसीलिए देखिए मैंने अपने रैक को फिर उल्टा कर लिया ताकि ये अच्छे से पूरी तरह बेक हो सके। जब आपका केक रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर आप बटर ग्रेस कर लें। इससे आपका केक का आउटर पार्ट कभी हार्ड नहीं होगा। आप खुद ही ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखें हमारा हेल्दी एंड यमी फ्रूट केक बनकर रेडी हो चुका। तो इस क्रिसमस आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस रेसिपी को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हैव अ गुड डे। जज़ाकअल्लाह।